वाले लेक्चर में अपन बात करेंगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण ओर्स के बारे में, अपने कुछ अयस्क देखने। तो देखिए अयस्क में क्या है, अपने को सबसे पहले ये देखने कि खनिज से अयस्क किस किस प्रकार के मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने एल्यूमिनियम का ले रखा है। अब आपसे पूछता क्या है कि एक तो उसका अयस्क पूछता है और अयस्क का क्या है, सूत्र पूछता है। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको इन अयस्कों की ट्रिक के साथ में आपको मैं सबके फॉर्मूले और अयस्क सब कुछ बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का सूत्र क्या है कि Al2O3.2H2O, ठीक है। फिर उसके बाद में फेल्सपार, तो फेल्सपार का फॉर्मूला होता है KAlSi3O8। फिर उसके बाद में क्रायोलाइट, तो क्रायोलाइट का होता है फॉर्मूला Na3AlF6। फिर केओलिनाइट, तो केओलिनाइट का होता है Al2O3 2SiO2.2H2O। फिर उसके अंदर क्ले का सूत्र होता है Al2OH2S4Si2O5। फिर डाइस्पार, तो डाइस्पार का फॉर्मूला होता है Al2O3.S2O। फिर अभ्रक, अभ्रक का होता है देखिए ये K2O3Al2O3 6SiO2.2H2O। फिर कोरंडम, तो कोरंडम का होता है Al2O3। तो ये तो थे एल्यूमिनियम के। अब इसमें से आपसे पूछता कैसे, तो आपसे नाम पूछ के सीधा फॉर्मूला पूछ सकता है, फॉर्मूले से आपसे पूछ सकता है कि किस टाइप का ओर है इसके। फिर उसके बाद में देखिए जैसे कंपटीशन में क्या होता है कि आपसे ऐसे लिख देता है, जैसे मान लीजिए बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट किसका है इसके, तो आपको चार ऑप्शन देता है एल्यूमिनियम, एफी, कॉपर और जिंक। तो आपको अब समझ में आना चाहिए कि एल्यूमिनियम का है इसके। तो इस तरीके से क्या इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए इसने बात की अपने से लोहे के, तो लोहे के इसके देखिए हेमेटाइट, हेमेटाइट होता है Fe2O3। फिर लिमोनाइट, तो लिमोनाइट होता है Fe2O3.3H2O। ये भूरा हेमेटाइट भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना है। फिर मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट होता है Fe2O4। फिर सिडेराइट, सिडेराइट होता है Fe CO3। और एक आयरन पायरेटीज होता है Fe2। तो इस तरीके से क्या आपसे पूछ सकता है, फिर आपसे ऐसे ही पूछ सकता है मैग्नेटाइट किसका है इसके, तो ध्यान रखना लोहे का है इसके। तो इस तरीके से चीज़ें पूछता है। तो एक हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आपको इसमें याद रखना है, ठीक। अच्छा हेमेटाइट देखिए आपके Fe2O3 है, और यहाँ पे जो ये मैग्नेटाइट है ये यहाँ पे Fe3O4 होता है, ध्यान रखना है आपको ये, है ना, ये इसमें मिसप्रिंट है, तो आपका Fe3O4 याद रखना है। तो उसके बाद में कॉपर पायरेटीज, तो कॉपर के आप और पे आओ तो कॉपर पायरेटीज का CuFeS2, कॉपर ग्लांस होता है Cu2S। फिर क्यूप्राइट Cu2O, मेलेकाइट एजुराइट, तो मैंने कॉपर की ट्रिक बना के रख रखी है देखिए अभी। फिर उसके बाद में जिंक, तो मैं अभी आपको ये बताया जा रहा हूँ कि इसके अयस्क देखिए कितने टाइप के, इसके बाद में मैं ट्रिक अभी बताऊंगा। तो उसके बाद में देखिए जिंक, तो जिंक वाला काम है जिंक ब्लेंड, जिंकाइट, कैलामाइन, विल्फ्रामाइट। तो इनको याद करने का बहुत शानदार ट्रिक है मेरे पास में, ठीक है। तो ये देखिए आपसे पूछता है कि जिंकाइट का एक तो फॉर्मूला ZnO, कैलामाइन का फॉर्मूला ZnCO3। तो इस तरीके से क्या आपसे पूछता है, कंपटीशन में बहुत सारे इनके सूत्र देखे आपसे नाम पूछता है इनके कि क्या नाम है, इनके नाम बताइए, या फिर नाम देखे ये पूछता है कि इसके अंदर कौन सा मेटल आपको मिल सकता है। तो ये तो थी अपने थ्योरी वाली बात, अब बात करते हैं अपन ट्रिक की। तो ट्रिक पे चलते हैं अपन, देखिए ट्रिक में क्या है, आपको ट्रिक में एक सीधा सीधा याद रखना है। देखिए पहला ट्रिक किसका है, ओर ऑफ मेटल्स का है, मतलब आपको यहाँ ध्यान रखना है ओर्स ऑफ आयरन, मतलब मैं आपको लोहे के ट्रिक बताऊंगा लोहे के ओर कैसे निकालते हैं। तो ट्रिक है, लगता है मोहन ऐसा ही बन गया। तो ये देखिए अब इसमें क्या है, लगता है में एल आ रहा है, फिर है में एच आ रहा है, फिर मोहन में एम आ रहा है, फिर एस में एस आ रहा है, और आई में आई आ रहा है। तो फॉर ट्रिक सुनना, लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन पायरेट, ये सब ऐसे हैं जो आयरन के ओर है। तो आयरन ओर याद करने का मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, लगता है मोहन ऐसा ही बन गया। तो बस आपको इतनी सी लाइन याद रखनी है, आपको ये पता लग जाएगा, क्योंकि आपको क्या है कि चार टाइप के ओर देता है एग्जाम में, कंपटीशन में। और नहीं तो ट्वेल्थ बोर्ड में क्या करता है कि जैसे वो सिर्फ और सिर्फ आपसे डायरेक्ट पूछता है कि आप हेमेटाइट किसका ओर है, या तो इससे क्या आप लोगों को ये वही आइडिया रहेगा कि जो ओर है, मतलब यहाँ जो ओर है वो ओर कौन सा है, हेमेटाइट किसका है, आयरन सिडेराइट किसका है। तो ये सीधे सीधे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले Fe2O3.3H2O, लिमोनाइट Fe2O3, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडेराइट Fe CO3 और आयरन पायरेट Fe2S। तो इस तरीके से Fe2S2, तो इस तरीके से क्या आपको ये चीज़ें पता लग जाती है। फिर उसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं नीचे, फिर देखिए एक कॉपर का दिख रहा है आपको, तो कॉपर की भी मैंने ट्रिक बना रखी है। तो देखिए माँ केक काटो, MACC, बस इतनी सी बात याद रखनी है इसके लिए, बस आपको कॉपर के और याद हो जाएंगे इसके। तो देखिए M से मेलेकाइट, मेलेकाइट का फॉर्मूला है CuCO3 CuOH2S3। फिर एजुराइट, एजुराइट में क्या है CuCO3 CuOH2S3। फिर कॉपर पायराइट CuFeS2 और ये कॉपर क्यूप्राइट CO2 और ये कॉपर ग्लांस CO2S। तो बस आपको क्या है ये याद रखने हैं, माँ केक काटो देखो है ना MACC, तो ये आपका इससे काम हो जाएगा। फिर उसके बाद में इन चारों को ऐसे लिख लेना, लिखने के बाद में इसको लाइन करके ये फॉर्मूले याद कर लेना। तो सबसे बेस्ट तरीका बताया मैंने आपको। वीडियो यदि आपको पसंद हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।